देश के मैदानी क्षेत्रों में झुलसाने वाली गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। इसके चलते हिमाचल प्रदेश पर्यटकों से गुलजार हो गया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के पर्यटन स्थल मनाली, धर्मशाला, चायल, नारकंडा और कुफरी में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। शिमला के होटल भी पर्यटकों से पैक हैं। माल रोड और रिज पर पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। हिमाचल के होटलों में बुकिंग 80 से 90 फीसदी है। हिमाचल प्रदेश में भी गर्मी कड़े तेवर दिखा रही है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा यहां का तापमान काफ़ी कम है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा आदि जगह से शिमला पहुंचे पर्यटकों ने बताया कि शिमला का मौसम काफ़ी अच्छा है। क्या कहना है पर्यटकों का, सुनिए। मैं अक्षत राणा और मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये ठंडी हवा तो मिलती ही नहीं नीचे। अभी प्लेन्स में आप देख लो, चंडीगढ़ में 45 डिग्री टेम्परेचर पहुँचा हुआ है, तो हम दिन में तो निकल ही नहीं सकते, लू चलती है। यहाँ तो बहुत ही ठंडी हवा चल रही है और मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ जी, फैमिली के साथ आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, इंजॉय कर रहे हैं वाइफ और बेटी के साथ। हाँ जी, फादर्स डे मना रहे हैं। मेरा नाम शिखा राणा है, हम चंडीगढ़ से आए हैं और हम हर साल आते हैं ऐसे तो शिमला, और जून में स्पेसिफिकली यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौसम होता है, ठंडा होता है। मोहाली, चंडीगढ़ जो नीचे भी जितने भी प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है इस टाइम, तो बच्चों को लेकर बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल है इस टाइम पर। बट यहाँ इस टाइम पर भी हम बाहर अपने बेटे को लेकर जा सकते हैं, अच्छा है, फ्रेश है, फ्रेश एयर है, ठंडा मौसम है और ग्रीनरी है हर साइड, तो बेस्ट है यहाँ पर। इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। फ्रेश इन्वायरमेंट चाहिए होता है, फ्रेश एयर चाहिए होती है, तो वो सब यहाँ मिल रही है। मेरा नाम सरजीत सिंह। यहाँ तो कूल लग रहा है क्योंकि लगभग 10-12 डिग्री का फ़र्क है। जैसे यहाँ अभी दिन में 28 होता है तो पंजाब में 41-42 होता है, तो 10-12 डिग्री 14 डिग्री का फ़र्क है, तो काफ़ी फ़र्क है मतलब। हाँ जी बिल्कुल, और मुझे तो बहुत बेस्ट लगा और सेफ है बहुत, मतलब बेस्ट से बहुत ज़्यादा नाइस। लोग भी बहुत अच्छे हैं और जो सिस्टम है, जो अपना लोकल कमेटी का सिस्टम है, वो भी बहुत अच्छा है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।